नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इस्लामिक देशों की सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने इस बार पीओके जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। ओआईसी के महासचिव इब्राहिम ताहा इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों को अपना फैसला खुद करने का अधिकार मिलना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीर मुद्दे का हल होना चाहिए। भारत ने ओआईसी के इस बयान पर अपनी सख्त नाराजगी जताई है। ओआईसी प्रमुख की टिप्पणी को खारिज करते हुए भारत ने कहा है कि ओआईसी को कश्मीर मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओआईसी ने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा हो। ओआईसी इससे पहले भी कश्मीर मुद्दे पर कई बार बयानबाजी कर चुका है, लेकिन भारत हर बार ओआईसी को कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दे चुका है। इस बार ओआईसी के प्रमुख ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंचकर कश्मीर को लेकर टिप्पणी की। ओआईसी प्रमुख ने कश्मीर को लेकर क्या कहा और भारत ने इसका क्या जवाब दिया, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल का सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओआईसी के प्रमुख इब्राहिम ताहा ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का एक चैनल खोला जाना जरूरी है। हम पाकिस्तान सरकार और दूसरे सदस्य देशों के साथ एक योजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हमें सदस्य देशों की सहमति मिले और हमें पता होना चाहिए कि कूटनीतिक की चर्चा सड़कों पर नहीं होती। ताहा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रियों के परिषद के प्रस्ताव को लागू करने से पहले ही दौरा किया ताकि जमीन पर हालातों को समझा जा सके। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ एकजुटता, सहानुभूति और ओआईसी के संकल्प को बताने आए हैं। हम अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के इस लंबे संघर्ष का समाधान खोजना चाहते हैं। ओआईसी प्रमुख के इस बयान पर भारत ने सख्त रद्द अमल दिखाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हम ओआईसी के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले दौरे पर दिए गए बयान की सख्त निंदा करते हैं। ओआईसी के पास कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मसले पर सांप्रदायिक पक्षपाती रूप से गलत रवैया अपनाकर ओआईसी पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ओआईसी के महासचिव पाकिस्तान के मुखपत्र बन चुके हैं। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के एजेंडे से खुद को दूर रखेंगे, जिसके जरिए पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी ओआईसी कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी कर चुका है और भारत इसको लेकर अपनी नाराजगी जता चुका है। उसके बावजूद कश्मीर को लेकर ओआईसी की बयानबाजी जारी है। ऐसा लगता है कि भारत के ऐतराज के बावजूद ओआईसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।